नमस्कार दोस्तों, हमने आरटीआई डाली थी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंडर। हालांकि ये आरटीआई पुरानी है, इस पर डिस्कशन इतनी नहीं हो पाई। इसमें हमने पूछा था तीन प्रश्न। एक पूछा था कि हमें ओटीसी प्रोडक्ट्स ऑन द काउंटर, ओटीसी क्या होती है? ओटीसी होती है वो दवा जिसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। आयुर्वेदिक ओटीसी प्रोडक्ट की लिस्ट दीजिए, होम्योपैथिक ओटीसी प्रोडक्ट की लिस्ट दीजिए और लीगल डेफिनेशन दे दीजिए ओटीसी होती क्या है, लीगली अगर कोई बनी हुई है। दूसरा प्रश्न पूछा था कि हमें जेरोक्स दीजिए डॉक्यूमेंट का, बाय विच स्टेट और सेंट्रल पुलिस, जिसके द्वारा स्टेट या सेंट्रल पुलिस या लोकल सीएमओ हस्तक्षेप या इंटरफेयर कर सकते हैं डेली वॉलंटियर सर्विसेज, हेल्थ वर्कर जो सर्विसेज देते हैं, या CMSED डिप्लोमा होल्डर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग ली हुई है, वो प्राइमरी हेल्थ केयर गाइडलाइंस WHO के मुताबिक अगर किसी को सेवाएं दे रहे हैं प्राथमिक उपचार की, क्या वो CMO साहबान या पुलिस सेंटर की या स्टेट गवर्नमेंट की हस्तक्षेप इंटरफेयर कर सकती है, उनको काम ना करने के लिए मजबूर कर सकती है या उनको पकड़ सकती है तो कि ये प्राथमिक उपचार ना दो, मरम पट्टी ना करो, कोई रोड पे इंजर्ड है, कोई बेहोश हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, क्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गई, कोई डूब रहा है कि नहीं बचाओ नहीं इसको, इसको प्राथमिक उपचार नहीं देना, कोई जल रहा है नहीं इसको जलने दो, किसी को सांप काट गया नहीं अस्पताल नहीं लेके जाना। तो हमने ये चीज़ पूछी कि प्राथमिक उपचार देने वाला WHO की गाइडलाइंस पे प्रैक्टिस शब्द नहीं मैं कह रहा, क्योंकि तो यूनिवर्सिटी वाले तो एक शब्द के पीछे पड़े हैं कि CMSED करो, कम्युनिटी हेल्थ और प्राइवेट प्रैक्टिस करो। प्राइवेट प्रैक्टिस तो MBBS कर सकता है एलोपैथी। प्राथमिक उपचार का दायरा कितना है ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, और कहाँ से आप वो लक्ष्मण रेखा लांग जाते हो फिर वो मुश्किल हो जाती है, प्राथमिक उपचार नहीं रहता वो एलोपैथिक में प्रैक्टिस और क्वैकरी और इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 56 के विरुद्ध फिर कार्रवाई होती है या आजकल NMS के विरुद्ध। तो दोस्तों तीसरी चीज़ पूछी मैंने, गिव्स रॉक्स ऑफ जजमेंट, कोई जजमेंट दीजिए, नोटिफिकेशन दीजिए, सर्कुलर का या ऑर्डर या एक्ट की कॉपी दीजिए जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राथमिक उपचार या प्राइमरी हेल्थ केयर रूरल एरिया में सारे इंडिया में हेल्थ वर्कर में या कम्युनिटी मेडिकल सर्विस एसेंशियल ड्रग्स जिसने पास किया हो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, ये कह रहे हो कि CMSED वाला प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करके आया है जो, उसको प्राथमिक उपचार उसके द्वारा बैन किया जाता है इस नोटिफिकेशन के द्वारा या जजमेंट के द्वारा या एक्ट द्वारा। क्योंकि मैंने पूछा भी वो बंदे जो कि एल्मा एटा डिक्लेरेशन 1978 हुआ था उसमें इंडिया ने साइन किया था, WHO का एक संधि हुई थी एल्मा एटा डिक्लेरेशन जिसमें हेल्थ फॉर ऑल, ऑल फॉर हेल्थ, तो ये 1978 में डिक्लेरेशन हुई थी। और दूसरी चीज़ मैंने पूछी कि अगर ऐसा होता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट मैं नीचे अटैच की हुई है 2004 की, उसकी भी कंटेम्प्ट बनती है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। ये तीन प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आराम से देखिए, आराम से देखिए, गौर से देखिए। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है जो मैं आपको दिखाया, तो इसका मेरे को आज भी याद है कि इसका जवाब जो आया मैं आपको दिखाता हूँ, ये जवाब आया, कैमरामैन आ रहे हैं 12/6/2019 को, रिप्लाई अटैच इन रिस्पेक्ट ऑफ योर एप्लीकेशन इस पे। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, ये तकरीबन 4 साल पुरानी है लगभग, ठीक है जी। तो मेरे को जो अटैचमेंट मैंने भेजी थी तो उन्होंने कहा कि इस अटैचमेंट में जो आवा, मैंने अटैचमेंट खोली, तो अटैचमेंट खोली जब मैंने जिसमें वो कह रहे हैं कि जवाब है, तो उसमें ये चीज़ निकली, ये देखिए, यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट
सामने लिखी हुई मेरे को उस अटैचमेंट में निकली, तो रिप्लाई उन्होंने इसी को दे दिया कि ये देख लो भैया, अपने आप समझ लो। तो दोस्तों समझदार हो आप, मगर मैं कभी भी क्विकरी पे यकीन नहीं करता ना प्रमोट करता हूं। स्टीक जानकारी हमें होनी चाहिए, स्टीक जानकारी नहीं है तो डेविएट हो जाएंगे। कानून बनना कोई और बात है, कानून इंप्लीमेंट ना होना अलग बात है। जैसे इलेक्ट्रोपैथी का राजस्थान में कानून बना मगर इंप्लीमेंट नहीं हो सका, नहीं हो सका। ऐसे ही नेशनल कमीशन ऑफ अलाइड हेल्थ का कानून बन चुका है मगर वो दोबारा एक्सटेंड हो रहा है, इंप्लीमेंट अभी भी नहीं हुआ। रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे। अगर आप कहेंगे कि सर आप तो दो एग्जांपल दे के रुक गए, मैं यहाँ नहीं रुकता। नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कानून बनाया, रूल्स एंड रेगुलेशन 12 जून को आए और उसको रद्द भी कर दिया, और अब पब्लिक ओपिनियन मांगा है। तो MBBS के लिए और अडॉप्शन के लिए उन्होंने कानून बनाया, रूल एंड रेगुलेशन बनाए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसी चीज़ें गियर फ्रंट में आके रिवर्स भी होती हैं, क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी लीगल एक्सपर्ट कोई राय देते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको भी देख सकते हो। नेशनल मेडिकल कमीशन ने रिवर्स किया है, रिवर्स कर दिया है उन्होंने। नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी कोई चीज़, क्योंकि ये तो एक्ट है, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन, ये साइट खुल रही है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। सीकिंग विड्रॉल ऑफ गाइडलाइंस अंडर ग्रेजुएट मेडिकल 23/6 को वापस ले ली, ये वापस ले ली उन्होंने। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, तेजी से स्क्रॉल डाउन कर रहा है। तो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले थे जिसमें उन्होंने कई चीज़ें MBBS प्रोग्राम के लिए और अडॉप्शन के लिए बताई थी, और सर्वर डाउन है। तो उसमें उन्होंने ये देखिए खुल गया, अब आप देख सकते हो 23/6/2023 को विड्रॉल ऑफ गाइडलाइंस अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। ये दोबारा करता हूँ, ये देखिए इट इज़ इन्फॉर्म दैट सर्कुलर इवन नंबर 12/6 देयर बाय इशूइंग गाइडलाइंस अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन स्टैंड विदड्रॉन एंड कैंसल विद इमीडिएट इफेक्ट। तो दोस्तों अब दोबारा उन्होंने सुझाव ओपिनियन मांगे हैं कि पब्लिक से कमेंट मांगे हैं, स्टेक होल्डर से कमेंट मांगे हैं नेशनल मेडिकल कमीशन ने, कि भी क्योंकि पब्लिक में या स्टेक होल्डर में जो प्रतिबंधी हैं वो जो दावा करते हैं, तो उन्होंने फिर दोबारा उनसे कमेंट मांगे हैं, ऑब्जेक्शन सजेशन। तो कई बार एक्ट बन जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन भी बन जाते हैं, उन पे विचार परामर्श दोबारा होता है। तो अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, धन्यवाद। फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 9872468540।